गाइस वेलकम टू आईएएस पॉइंट, दिस इज अदिति पांडे। तो आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। विलियम्स के इर्द गिर्द एक विशाल खाली जगह छोड़ दी गई जिसे स्थानीय लोग मैदान या गारेर मठ कहने लगे थे। खाली मैदान रखने का मकसद ये था कि अगर दुश्मन की सेना किले की तरफ बढ़े तो उस पर किले से बेरोक टोक गोलीबारी की जा सके। पहले के लोग या अभी के लोग भी, अगर हम घर बनवाते हैं तो मान लीजिए अगर किसी के पास कार होता है, या कोई वाहन होता है, गांव में जाएंगे तो ट्रैक्टर होता है, तो वो लोग रखने के लिए अपने घर के बाहर थोड़ी स्पेस बनवाते हैं ना। शहर में भी आजकल लोग नीचे जो पहला फ्लोर है वो पिलर्स का बनवाते हैं, आपने देखा होगा कुछ जगहों पर जो न्यू घर बन रहे हैं, वो नीचे एक पूरा एकदम पिलर है सिर्फ, और ऊपर से उनका घर स्टार्ट होता है। तो वो नीचे कार वगैरह रखते हैं अगर ज़मीन बहुत छोटी है तो। तो पहले के लोग भी इसी तरीके से अपने सुविधा के अनुसार अपने घर को बनवाते थे। गोलाबारी के लिए जगह, कलकत्ता के लिए जो पैटर्न तैयार किया गया था उसे बहुत सारे दूसरे शहरों में भी दोहराया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान बहुत सारे शहरवासियों के गढ़ बन गए थे। विद्रोह के बाद अंग्रेज इन स्थानों को अपने लिए सुरक्षित बनाने लगे। उदाहरण के लिए उन्होंने दिल्ली में लाल किले पर कब्जा किया और वहां अपनी सेना तैनात कर दी। उन्होंने किले के नज़दीक बनी इमारतों को साफ करके भारतीय मोहल्लों और किले के बीच काफ़ी फासला बना दिया। यह करगुजारी के पीछे भी दलील वही थी जो 100 साल पहले कलकत्ता में दी गई थी। अगर कभी शहर के लोग दोबारा फिरंगी राज के खिलाफ हो जाएं, तो उन पर गोली चलाने के लिए खाली जगह की आवश्यकता थी। कलकत्ता के अगर मान लीजिए कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे ना गुंडे कभी भी घर में घुस जाते हैं और वो लोगों को मार पीट के चले जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपने साथ डंडा रखेंगे, ब्लैक पेपर रखेंगे, लाल मिर्ची पाउडर रखेंगे और हमेशा एक तैयार मोड में रहेंगे ना, कि अगर कभी वो गलती से घुस जाएं तो आप उनसे लड़ सकें। तो बिल्कुल उसी तरीके से इन लोगों ने भी कि अगर फिर से कभी हमला हो तो हमारे पास ज़मीन हो, हम लड़ाई कर सकें, हमारे पास वेपन्स हों, हम उनसे आसानी से लड़ सकें, इसलिए काफ़ी चीज़ें की थी इन लोगों ने भी। हर तरह की गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के लिए 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज़ को ये महसूस होने लगा कि सामाजिक जीवन के सभी आयामों को नियंत्रित करने के लिए स्थायी और सार्वजनिक नियम बनाना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ तक कि निजी इमारतों और सार्वजनिक सड़कों का निर्माण भी स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध मानक नियम के अनुसार होना चाहिए। धीरे धीरे लोग रियलाइज़ करने लगे कि जो भी घर हैं और जो भी प्रशासन है उसके लिए नियम बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रोड पे चल रहे हैं तो रोड के नियम्स भी होने चाहिए कि यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए, फिर लाइट्स जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनके नियम होने चाहिए कि हाँ इतने देर के लिए गाड़ियाँ रुकेंगी ताकि और लोग भी जा सकें, फिर गाड़ियाँ भी जाएंगी और उन्हें निर्धारित करने के लिए एक आदमी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होने लगी धीरे धीरे। 19वीं सदी आते आते शहर में सरकारी दखलंदाजी और ज़्यादा सख्त हो चुकी थी। वो ज़माना लग चुका था जब नगर नियोजन को सरकार और निवासियों दोनों की साझा जिम्मेदारी माना जाता था। पहले क्या होता था, नगर का जो भी नियोजन होता था, जैसे अबाउट की बात है यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स मान लीजिए, तो पहले क्या था उसके लिए कोई आदमी नहीं रखा गया था, वहीं के जो आसपास के लोग। अच्छा, आपने कभी देखा होगा यदि आप गांव में रहते हैं तो, या थोड़े स्मॉल टाउन में रहते हैं तो, अगर वहाँ कभी ट्रैफिक्स लगते हैं ना तो जब पुलिस नहीं सही कर पाती है तो जितने भी दुकानदार होते हैं वो लोग भी आ जाएंगे, फिर सब मिलके एक साथ ट्रैफिक को हटवाते हैं।
ठीक है, देखा होगा कभी, ये ऐसा रोज तो नहीं होता है बट हाँ कभी कभार होता है। एक बार हमने ये देखा था, बहुत मतलब 7 बज गए थे, लेट हो गया था सबको उस टाइम, और उस दिन बहुत ट्रैफिक थी, बहुत ज़्यादा, मतलब 25 मिनट सिर्फ ट्रैफिक में बीत गए थे लोगों की, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। और उसे हटवाने के लिए जितने भी दुकान के लोग थे वो लोग भी आ गए, फिर सब धीरे धीरे देख रहे हैं कि हाँ किस तरीके से जगह बनाया जाए ताकि सारी गाड़ियाँ आराम से जा सके और कोई भी दिक्कत ना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी मेहनत की गई। फिर 25-30 मिनट बाद, लगभग 40 मिनट्स मान लीजिए, तब जाके कहीं ट्रैफिक खुला था। बम्बई के भवन निर्माण यदि शाही दृष्टि को साकार करने का एक तरीका नगर नियोजन था, तो दूसरा तरीका यह था कि शहरों के भव्य इमारतों के मोती टाक दिए जाएं। अब हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, तो अपने आप, अगर मान लीजिए आपको हमने कोई लैंड दे दिया, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि आप इसे ऐसा बनाएगी कि लोग यहाँ आना चाहें, लोग यहाँ बिजनेस करना चाहें, और यहाँ के लोकल लोग भी हों तो उन्हें भी कुछ प्रॉफिट्स हों, और पर्यटन स्थल के रूप में आप इसे डेवलप कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? अगर एक खाली लैंड है तो एक बड़ी सी कोई मॉन्यूमेंट बनवाएंगे अच्छी सी, जिससे लोग देखने आए, बनवाएंगे ना, और फिर मान लीजिए उस जगह को काफ़ी सुंदर बना के रखेंगे, आपने फव्वारे लगवाए वहाँ पे रोड साइड में, फिर वहाँ के रिक्शों में कुछ अलग करवाते हैं, जैसे कि सिंड्रेला वाले रिक्शे चल रहे हों और ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ें हों, तो फिर कितना अच्छा लगेगा, लोग वहाँ पे आना चाहेंगे ना। उस तरीके से अगर आप उसे बनाएंगे तो, उस तरीके से अगर आप उसे डेवलप करेंगे तो, उसके बाद फिर वहाँ के स्थानीय लोग भी वहाँ पे क्यों अच्छी अच्छी दुकानें लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ की कोई चटपटी सी चीज़ बहुत फेमस है, तो ये चीज़ सिंड्रेला को पसंद है, वैसा क्या है कि ऐसी दुकानें क्यूट सी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना, और फिर वहाँ लोग आना चाहेंगे। और अब वहाँ पे आप मान लीजिए कोई अच्छा सा फैक्ट्री भी खुलवा दीजिए, और लोग वहाँ पे आके इन्वेस्ट भी करना चाहें, तो आप उसमें कई सारी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। तो उसी तरीके से शाही दृष्टि में यदि कहीं निर्माण को प्रारंभ करना है, लोगों के इन्वेस्टमेंट को प्रारंभ करना है, तो इन्होंने भी यही सोचा कि भव्य इमारतों के मोती टाक दिए जाए। जैसे सरकारी दफ्तर, स्मारकीय इमारतें, व्यावसायिक डिपो, यहाँ तक कि गोदियाँ और पुल, ये सारी चीज़ें प्राथमिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी करेंगी। जैसे मान लीजिए यदि हमने कोई एक अच्छा सा पुल बनवाया, एक रिंग रोड बनवाया, ठीक है, तो वो कई सारे गांवों को शहरों से जोड़ेगी, जो कि एक अच्छी चीज़ होगी। शुरुआत में बम्बई में 7 टापुओं का इलाका था, जैसे जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज़्यादा जगह पैदा की जा सके। इस तरह आखिरकार टापू एक दूसरे से जुड़ गए और एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी, पश्चिमी तट पे प्रमुख बंदरगाह था इत्यादि। आगे चलते हैं, धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट किया। एक और शैली जिसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया वो है नवगथिक शैली। ये क्या होता है? उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबें और बारीक साज सज्जा, इसी शैली को हम नवगाथिक शैली कहते हैं। ख़ास तौर पे इसका जो जन्म है वो गिरजों से हुआ था और उत्तर यूरोप में काफ़ी ज़्यादा बनाई गई। आप देखेंगे एक स्पेशल टाइम पीरियड में ना एक स्पेशल टाइप के घर बनते हैं। जैसे पहले आपने क्या देखा था, घर नीचे से बनते थे, पिलर्स का फैशन पहले नहीं था, लेकिन अब है ना, पिलर का फैशन है।
पहले क्या था, दीवार में अलमारी वगैरह बनवाते थे, ताण ये सारी चीज़ें भी लोग अपने घर में बनवाते थे ना। अब क्या होता है, हम अलमारी रखवाना ज़्यादा पसंद करते हैं और वो बनवाना उतना कोई प्रेफर नहीं करता है। पहले क्या होता था, लोग अच्छे से सीमेंटेड ज़मीन बनाते थे और एक कलर आता है ज़मीन को पेंट करने वाला, आपने देखा है क्या, अगर आपका घर उससे पेंटेड होगा तो उस कलर मतलब दो तीन कलर्स सॉलिड कलर्स होते थे, रेड ग्रीन ब्लू, तो इन सारे कलर्स को उपयोग करके लोग ज़मीन पे आकृतियाँ बनवाते थे, तो वो बिल्कुल टाइल्स जैसा ही लगता था और बहुत अच्छा भी लगता था वो। लेकिन अब क्या करवाते हैं, अब लोग टाइल्स लगवाते हैं, पत्थर लगवाते हैं इत्यादि, तो शैली बदल गई ना। पहले हर कोई थोड़ी ना पत्थर लगवाता था, लेकिन अब देखेंगे ऑलवेज मतलब एक मिडिल क्लास भी सोचते हैं कि वो अपने घर में टाइल्स ही लगवा लें और वो लगवाते भी हैं। तो पहले पुट्टी का बहुत ज़्यादा वो नहीं था, अब तो लगवानी पड़ती है, इतनी ज़्यादा सीलन हो जाती है दीवारों में, तो लोग उन चीज़ों को भी प्रेफर करते हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे एक विशेष 10-20 सालों बाद आप देखेंगे तो ये चीज़ें चेंज हो जाएंगे, शायद लोग उस टाइम टाइल्स नहीं लगवाएंगे, कुछ और चीज़ें लगवाएंगे। अब धीरे धीरे एक वॉलपेपर का ज़माना आ रहा है, मतलब एक प्लास्टिक पेंट देखा होगा आपने, एक प्लास्टिक रहता है लोग वो दीवारों पर लगवाते हैं, तो वो बिल्कुल पेंट जैसा लगता है और वो हर कलर हर डिज़ाइन में आता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन ये भी बड़े शहरों में देखी जा रही है, छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा ये चलन में नहीं है। तो डे टू डे चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इमारतें और स्थापत्य शैलियाँ क्या बताती हैं, ये अपने समय के सौंदर्यात्मक आदर्शों और उनमें निहित विविधताओं का पता चलता है इन चीज़ों से। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इमारतें उन लोगों की सोच और नज़र के बारे में भी बताती हैं जो उन्हें बना रहे हैं। अगर आप किसी का घर देखेंगे, अगर उसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, तब क्या सोचेंगे, इन्हें खिड़कियाँ बहुत पसंद होगी, इन्होंने झूला लगवाया तो इन्हें झूला बहुत पसंद होगा, पेंटिंग्स लगवाई हैं तो पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती होंगी। तो कहीं ना कहीं इमारतें एक उस व्यक्ति के बारे में बताती हैं ना कि उसे क्या चीज़ें पसंद होंगी। अगर आप किसी के घर में जाते हैं, बहुत ही डार्किश कलर से उसने अपने घर को रखा है बना के, तो आप सोचोगे ना कि हाँ इसे डार्क कलर बहुत पसंद लग रहा है, पूरे घर में लाइट कलर तो कुछ है ही नहीं। और अगर किसी के घर में जाते हैं, आपने देखा विंड चाइम, तब समझे कि हाँ इन्हें विंड चाइम बहुत, तो इन चीज़ों से पता चलता है। अगर आप कहीं जाते हैं, वहाँ आपने देखा कि टेबल शीशे का है, अलमारी में शीशा लगवाया उन्होंने, फिर अपनी खिड़कियाँ शीशे की बनवाई हैं, तब कहेंगे ना हाँ इन्हें कांच बहुत पसंद है लगता है। और फिर मतलब किसी के घर को देख के आप उसके बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं कि उसे क्या पसंद होगा, क्या नहीं पसंद होगा एक्सेट्रा। और ये काल रेखाएँ हैं जिसमें बताया गया है कि जैसे प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की निर्णायक जीत होती है और वे बंगाल के शासक हो जाते हैं, तो किस सन में, 1757 में। ये सारे कालचक्र कहीं ना कहीं आपको याद रखने में भी मदद करेंगे। जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको ये याद है कि 1757 में उसमें जीत हो गई थी, तो ऑब्वियसली इससे पहले ही हुआ होगा, इसके बाद तो नहीं हुआ होगा ना, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये चैप्टर आपका फाइनली ख़त्म हो गया और अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।